ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE की कुछ बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स, जहां पर हम बात करेंगे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के रिटर्न ऑन मंडे नाइट रॉ, इसके अलावा द बिग रेड मशीन केन की इंजरी और स्मैकडाउन लाइव में होने वाले एक टाइटल मैच के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल पर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो कि एक्सट्रीम रूल्स 2018 के रिजल्ट्स और वहां पर हमें क्या कुछ देखने को मिला, इसके अलावा रोमन रेंस क्यों हारे बॉबी लैशली से, तो इन वीडियोज के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इन वीडियोस को भी चेक कर लेते। लेकिन बात करते हैं फिलहाल इस वीडियो की, और सबसे पहले बात करते हैं केन के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था, ब्लडजन ब्रदर्स ने कैसे बैकस्टेज जो है टीम हेलनो के ऊपर अटैक कर दिया था, और उसके बाद केन जब मैच में आए थे तो हमने वहां पर उन्हें पैर के आसपास प्रॉब्लम में देखा था। तो इसके बाद WWE ने भी अपनी वेबसाइट के ऊपर केन के बारे में अपडेट दिए, जहां उन्होंने कंफर्म कर दिया कि केन का जो एंकल है वो ब्रोक हो गया और इसके चलते केन को यहां पर इंजरी हो गई है। तो ऐसे में यहां पर पता लग रहा है WWE ने स्टोरी लाइन एंगल में दिखा दिया, जिसके चलते हमें केन एक बार फिर से WWE की टीवी टेपिंग से बाहर देखने को मिलेंगे। स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड की बात करें तो यहां पर एक चैंपियनशिप मैच कंफर्म हो चुका है, जो कि होगा एक रीमैच जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच, जहां पर शिंसुके नाकामुरा अपनी US चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे, और शायद हमें यहां पर रैंडी ऑर्टन का भी कोई रोल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि जुड़ी है यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर से। तो आपको बता दूं, एक्सट्रीम रूल्स के टाइम पर ही कर्ट एंगल का बैकस्टेज एक इंटरव्यू लिया गया, जहां उन्होंने कहा कि वो पॉल हेमन तक पहुंचे और उन्होंने बात करी ब्रॉक लेसनर के अगले यूनिवर्सल टाइटल डिफेंस के बारे में। लेकिन यहां पर पॉल हेमन ने डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर किसी के भी साथ लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहां पर कर्ट एंगल ने बड़ी अनाउंसमेंट करी और उन्होंने कहा, मेरे पास अब तुम्हारे लिए सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तुम कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आओ या फिर तुमसे यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन ली जाएगी। तो ऐसे में यहां पर हम कह सकते हैं चांसेस जो है ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो चुके हैं कि हमें अगली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर की वापसी देखने को मिलेगी, और वहां पर आकर ब्रॉक लेसनर का हमें ओपोनेंट सामने आता हुआ दिखाई देगा कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए किस सुपरस्टार को फेस करने वाले हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो कर्ट एंगल का कहना है कि ब्रॉक लेसनर से यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन ली जाएगी। तो अगले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखना वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि WWE ने वहां पर क्या प्लान्स रखे हैं ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट के लिए। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको क्या लगता है ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर क्या होगा, क्या मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।